बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग हमेशा की तरह खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम इंग्लिश 5 क्लास के यूनिट नंबर 11 की कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। हाउ मच डिड यू अंडरस्टैंड, चेक इन कंप्रीहेंशन। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इन योर ओन वर्ड्स। अपने अल्फाज में नज़म का मरकजी ख्याल बयान करें। आंसर, ऑल द बिग एंड स्मॉल क्रिएचर्स ऑफ गॉड हैव देयर ओन इम्पॉर्टेंस, ओनली साइज डज नॉट मैटर। एवरीथिंग मेड बाय गॉड इज परफेक्ट एंड कीप्स यूनिक करेक्टरिस्टिक्स। अल्लाह की तमाम मखलूक चाहे छोटी हो या बड़ी अपनी अहमियत रखती है, जिसामत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर चीज़ अल्लाह ने बनाई है और वो मुनफरद खसूसियत रखती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द लेसन यू ड्रॉ फ्रॉम दिस पोएम। इस नज़म से आपने क्या सबक हासिल किया। आंसर, द लेसन आई ड्रॉ फ्रॉम दिस पोएम इज़ दैट एवरी क्रिएचर्स ऑफ गॉड इज़ परफेक्ट, एवरीथिंग प्लेज इट्स यूनिक रोल इन दिस वर्ल्ड। इस नज़म से मैंने ये सबक हासिल किया कि अल्लाह की हर तख्लीक शानदार है, दुनिया में हर चीज़ अपना इनफरादी किरदार अदा करती है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन ऑल द राइमिंग वर्ड्स विच कम एट द एंड ऑफ ईच लाइन। हर सतर के आखिर में आने वाले तमाम हम काफ़ी अल्फाज लिखें। आंसर, वेदर, टुगेदर, एयर, सफेयर, डिस्ग्रेस, प्लेस, मेक, ट्रैक। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स टू कम्प्लीट द लाइन्स बिलो। नीचे दिए गए सतूर को मुकम्मल करने के लिए दुरुस्त अल्फाज खाली जगह में दर्ज करें। नंबर 1, द माउंटेन एंड द डैश हैड अ कोरल, रैबिट, माउस, स्कोरल। द करेक्ट ऑप्शन इज स्कोरल। नंबर 2, बन रिप्लाइड यू आर डाउटलेस वेरी डैश, स्मॉल, बिग, ग्रेट। द करेक्ट ऑप्शन इज बिग। नंबर 3, आई थिंक इट नो डैश टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, ऑनर, डिसग्रेस, प्लेजर। द करेक्ट ऑप्शन इज डिसग्रेस। नंबर 4, यू आर नॉट सो डैश एज आई, बिग, हाई, स्मॉल। द करेक्ट ऑप्शन इज स्मॉल। नंबर 5, आई कैन नॉट कैरी डैश ऑन माई बैक, फॉरेस्ट, माउंटेन, ट्रीज। द करेक्ट ऑप्शन इज फॉरेस्ट। नंबर 6, नीदर कैन यू डैश आर नॉट, लिफ्ट, पुल, क्रैक। द करेक्ट ऑप्शन इज क्रैक। लर्न अबाउट वर्ड्स, वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग, अल्फाज मानी। मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद इट्स मीनिंग इन कॉलम बी। कॉलम ए में मौजूद लफ्ज़ को कॉलम बी में मौजूद उनके मैनी से मिलाएं। प्रेग, होल्ड, प्रूड। सफेयर, एन एरिया ऑफ एक्टिविटी फॉर अ प्लैनेट। डिसग्रेस, डिसऑनर, ह्यूमिलिएशन। ऑक्यूपाई, अ पैटी थीफ। सप्राई, लाइवली। डिनाय, रिफ्यूट। ट्रैक, पाथवे। वर्किंग विद वर्ड्स, अल्फाज का इस्तेमाल। फाइंड द बेस्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। खाली जगह को पूर्ण करने के लिए मौजू लफ्ज का इंतखाब करें। डाउटलेस, सो, वेल, वाइजली, फॉरेस्ट, क्रैक। नंबर 1, यू आर डैश वेरी बिग, डाउटलेस। नंबर 2, आई एम नॉट डैश लार्ज एज यू, सो। नंबर 3, टैलेंट्स डिफर, ऑल इज डैश एंड डैश पुट, वेल, वाइजली। नंबर 4, आई कैन नॉट कैरी डैश ऑन माई बैक, फॉरेस्ट। नंबर 5, नीदर कैन यू डैश आर नॉट, क्रैक। वर्ड स्टडी फोनिक्स, वर्ड स्टडी फोनिक्स। साइलेंट लेटर्स जी एच, एच एंड एल। खमोश हरूफ जी एच, एच और एल। साइड ओ एंड वॉकड।
Letters usually stand for sounds, but in some words the letters G, H, H and L don't stand for any sound at all. The letters G, H inside and daughter are silent. The H in O is silent. The letter L in walk is silent. हरूफ आवाज़ों को ज़ाहिर करते हैं मगर चंद अल्फाज में हरूफ जी एच एच और एल बिल्कुल भी आवाज़ नहीं देते। हर्फ जी एच अल्फाज साइड और डाटर में खामोश हैं। ओ में हर्फ एच खामोश है। फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो एंड कंप्लीट द स्टोरी। नीचे दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पूर करके कहानी मुकम्मल करें। क्लोज स्टोरी। Would, throw, night, thought, talk, hour. Sorry you were sick for the football game last night. It lasted over an hour. I thought we would lose until the end. Then I shoot the ball, throw the poles and we won. How about joining the team? Let's talk about it when you feel better. Work with a partner to make a list of words that has GH, H and L has silent letter. अपने दोस्त या सहेली के साथ मिलकर अल्फाज की फहरिस्त बनाएं जिनमें GH, H और L की खामोश आवाज़ें हों। Rhyming words, हम काफ़ी अल्फाज। Read the poem and underline the rhyming word in each sentence. नज़्म पढ़ें और हर बांध में हम काफिया को खत कशीदा करें। Language and arts. Adverbs. मुतल्लिक अफ़ाल। An adverb is a word that describes a verb. It tells how, when, where or how often the action shown by the verb happens. Many adverbs end in ly. मुतल्लिक फ़ैल ऐसा लफ्ज़ है जो फ़ैल को बयान करता है। ये बताता है कि कैसे, कब, कहाँ और कितनी बार एक काम हुआ। बहुत से मुतल्लिक फ़ैल ly पर ख़त्म होते हैं। Examples: He spoke loudly. How? She read daily. When? Amir rained downstairs. Where? It rains often. How often? Circle each adverb, write how, when or where on each line. हर फेल मुतलक पर दायरा लगाए और देखें कि ये कब, कहाँ और कैसे वाक़या हुआ। नंबर वन, द चाइल्ड रेन क्विकली इन द प्ले ग्राउंड। हाउ। नंबर टू, आई विजिट माई अंकल वीकली। वैन। नंबर थ्री, द ओल्ड वुमेन वॉक्ड स्लोली। हाउ। नंबर फोर, शी केयरफुली पेंटेड हर पिक्चर। हाउ। नंबर फाइव, हर टूथ सडनली स्टार्टेड हर्टिंग हर। वैन। नंबर सिक्स, आई ऑलवेज टेक द बस टू स्कूल। When? Number 7. She often gets headache. When? Number 8. The dog barked loudly at the stranger. How? Number 9. The car was damaged badly. How? Number 10. Finally, she has met her lost brother. When? Writing skills. Write a descriptive paragraph. एक तौसीफी पैराग्राफ लिखना। A descriptive paragraph describes something. It is made colorful and interesting through the use of descriptive words that tell how something looks, feels, smells, tastes or sounds. Example: It was a bright sunny morning when we packed for our picnic. एक तौसीफी पैराग्राफ किसी बात को बयान करता है। यह तौसीफी अल्फाज के इस्तेमाल से दिलचस्प और पुरकैफ बन जाता है। ये अल्फाज बताते हैं कि कोई चीज़ किस तरह दिखती, महसूस करती, सूंघती, जायका चखती या आवाज़ देती है। राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट एन एक्साइटिंग डे। एक बेहतरीन दिन से मुतालिक तौसीफी पैराग्राफ लिखें। प्री राइटिंग, लिखने से कबल। थिंक ऑफ अ फ्यू क्वेश्चन अबाउट यूर एक्सपीरियंस एंड आंसर दैम ऑन अ सेपरेट शीट ऑफ अ पेपर। अपने तजर्बे से मुतल्लिक कोई सवालात सोचें और उनके जवाबात अलग वर्क पर लिखें। ए, व्हेन एंड वेयर डिड द एक्सपीरियंस टेक प्लेस। तजर्बा कब और कहां पेश आया। आंसर, इट वाज फ्राइडे व्हेन आई वेंट टू द जू विद माय फैमिली।
ये जुम्मा का दिन था जब मैं अपने अहले खाना के साथ चिड़ियाघर गया। व्हाट हैपन, क्या हुआ था? आई सॉ सो मैनी एनिमल्स इन द जू। देयर वर मंकीज, एलिफेंट, लायंस, डियर्स, ऑस्ट्रिचेस, जिराफ ईटीसी। आई एंजॉयड माई सेल्फ ऑफ राइडिंग द एलिफेंट। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। आई ऑल्सो प्लेड विद माई ब्रदर्स इन द ग्राउंड। आफ्टर दैट आई हेयर्ड सम पीपल शाउटिंग नियर द केज ऑफ द बेयर। आई वेंट देयर, आई सॉ अ पेयर ऑफ बेयर्स प्लेइंग विद अ बॉल इन द केज। अ बॉय वॉज क्राइंग एट द केज बिकॉज हिज बॉल स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड इन टू द केज। एनी हाउ, इट वॉज अ ग्रेट फन टू लुक एट द बेयर्स प्लेइंग विद अ बॉल। शॉर्टली आफ्टर दैट अ केयर टेकर वेंट इन टू द केज एंड केम बैक विद द बॉयज बॉल। फाइनली द बॉय गॉट एक्साइटेड टू गेट बैक हिज बॉल। मैंने चिड़ियाघर में बहुत से जानवर देखे, वहाँ बंदर, हाथी, बबर, शेर, हिरन, शुतुरमुर्ग, जराफा वगैरह थे। मुझे हाथी की सवारी से बहुत लुत्फ आया, ये एक शानदार तजर्बा था। मैं अपने भाइयों के साथ मैदान में भी खेला। उनके बाद मैंने लोगों को रीछ के पिंजरे के बाहर चीखते हुए सुना। मैंने रीछ के जोड़े को गेंद के साथ खेलते हुए देखा। लड़का पिंजरे पर चिल्ला रहा था क्योंकि उसका गेंद उसके हाथ से फिसल कर पिंजरे में गिर गया था। बहरहाल रीछों को गेंद के साथ खेलता देख कर बहुत मज़ा आया। इसके कुछ देर बाद चौकीदार पिंजरे में गया और लड़के का गेंद लेकर बाहर आया। आखिरकार लड़का अपना गेंद पाकर खुश हुआ। What happened after that? इनके बाद क्या हुआ? We were got tired and it was getting dark, so we come back home. We enjoyed this visit a lot. हम थक चुके थे और अंधेरा हो चुका था, बस हम वापस घर आ गए। इस शहर से हम बहुत लुत्फ अंदोज हुए। Develop an outline, एक खाका बनाएं। Write sentences in the order in which they happened. Then use the words showing time order. जुमलों को इस तरतीब से लिखें कि जिस तरह वो वाक़े हुए, और फिर अल्फाज इस्तेमाल करें जो वाक़े की तरतीब ज़ाहिर करें। पैराग्राफ आउटलाइन, यूज़ अ डिस्क्रिप्टिव वर्ड इन ईच सेंटेंस। डेट, इट वॉज अ डैश डे। वी वेंट टू, बिकॉज, शॉर्टली आफ्टर दैट, फाइनली। इट वॉज संडे, वी वेंट टू हिस्टोरिकल लाहौर फोर्ट। There was a great rush of people because of holiday. We saw many ancient items in the museum in that fort. The museum was an amazing and worthwhile place to see at. We visit Diwan-e-Khas and Sheesh Mahal too. Right is from of Lahore Fort, that is huge historical masjid and Badshahi Masjid is located. We stayed there till 4 o'clock. Shortly after that we came back home. It was a great fun. Write a rough draft, एक खाम तहरीर लिखें। Revise your rough draft, अपनी खाम तहरीर की दोहराई करें। Check your rough draft, खाम तहरीर की जांच करें। Did your paragraph have a title, क्या आपके पैराग्राफ का उनवान है? Answer, yes, my paragraph has a title, that is an exciting day. जी हाँ, मेरे पैराग्राफ का उनवान है और वो एक शानदार दिन है। Did you indent the first line, क्या आपने अपनी पहली सतर में रद्दोबदल किया? Answer, yes, I indent the first line, जी हाँ, मैंने पहली सतर में रद्दोबदल किया। Does your paragraph have a topic sentence, क्या आपके पैराग्राफ का मौजूदाती जुमला है? Answer, yes, my paragraph has a topic sentence, जी हाँ, मेरे पैराग्राफ का मौजूदाती जुमला है। Do all other sentences support the topic sentence, क्या दूसरे जुमले मौजूदाती जुमले की तायद करते हैं? Answer, yes, all other sentences support the topic sentence, जी हाँ, दूसरे जुमले मौजूदाती जुमले की तायद करते हैं। Are your ideas in the correct order, क्या आपकी सोच दुरुस्त तरतीब में है? Answer, yes, my ideas are in correct order, जी हाँ, मेरी सोच दुरुस्त तरतीब में है। Does your paragraph have a concluding sentence, क्या आपके पैराग्राफ का इख्तितामी जुमला है? आंसर, यस, माई पैराग्राफ हैज़ अ कंक्लूडिंग सेंटेंस, जी हाँ, मेरे पैराग्राफ का इख्तितामी जुमला है। एडिट योर पैराग्राफ, अपने पैराग्राफ की जांच करें। रीड योर पैराग्राफ केयरफुली टू करेक्ट स्पेलिंग, पंचुएशन, वोकेबलरी एंड ग्रामर मिस्टेक्स। इज्जे, रमूज, वकाफ, सकीरा अल्फाज और कवायद की गलतियों की दुरुस्ती के लिए पैराग्राफ को गौर से पढ़ें। राइट योर फाइनल कापी, अपनी आखिरी मतलूबा नकल लिखें।
Speaking. Tell your classmates about an incident that had happened to you when you were enjoying out with your family. Describe the whole situation in a funny tone if possible. जब आप अपने अहले खाना के साथ लुत्फ उठा रहे थे ऐसे वाक़े के बारे में अपने हम जमातों को बताएं। अगर मुमकिन हो तो मजाया अंदाज में तमाम बात बताएं।